The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, kaise hain aap? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेट में एक स्वेलिंग, एक लंप की। एक अगर आपके पेट में एक लंप है, अगर एक गांठ है, वो गांठ के ऊपर क्या कारण हो सकते हैं, वो गांठ सबसे खतरनाक रीज़न क्या है, सबसे कॉमन रीज़न क्या है, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए अगर पेट में एक गांठ है तो वो गांठ छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, एक स्वेलिंग हो सकती है, एक बल्ज हो सकता है टिश्यूज़ के अंदर, बेली के आसपास, कहीं भी ऊपर नीचे आजू बाजू। ज़्यादातर केसेस में जो गांठ होती है, ज़्यादातर कॉमन, सबसे कॉमन कारण इसका है हर्निया। हर्निया, जी हाँ, पेट के टिश्यूज़ में, एब्डोमेन में हर्निया होता है, जबकि एक वीक स्पॉट होता है, कमज़ोर एरिया होता है, जहाँ पर पेट की जो वॉल है उस वॉल में कमज़ोर एरिया है, उसके वजह से जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, अंदर के इंटेस्टाइन है, वो बल्ज करते हैं मसल्स के थ्रू, और मसल्स को थ्रू बल्ज करके बाहर आने की कोशिश करते हैं, ये बाहर आ जाता है और आपको फील होता है, राइट। तो ये आपको फील हो सकता है जब भी आप स्ट्रेन करें, ताकत लगाएं, जब भी आप कोई हैवी चीज़ उठाएं, जब भी आपको बहुत लंबी थोड़ी बहुत खांसी आए तब, राइट। और हर्निया भी बहुत प्रकार के हैं, हमने हर्निया पे एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा अभी बता देते हैं कि हर्निया एक तो होता है इनग्वाइनल हर्निया। इनग्वाइनल हर्निया नीचे के साइड में इनग्वाइनल रीजन पे ग्रोइन या स्क्रोटम तक, आपके अंडकोशों तक वहां पर फील हो सकता है। ज़्यादातर ये मेन में होगा, वुमेन में कम होता है इनग्वाइनल हर्निया। इंसीजनल हर्निया हो सकता है, अगर आपने एब्डोमिनल में कोई सर्जरी कराई है तो उस इंसीजन, उस कार के थ्रू हर्निया आ सकता है। अम्बिलिकल हर्निया धुन्नी नाभि के आसपास से होता है, उसमें होता है क्योंकि अगर नाभि के आसपास की मसल जो है सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, धुन्नी से एब्डोमिनल हर्निया हो सकता है। लेकिन हर्निया अकेला कारण नहीं है कि पेट में, पेट की स्किन के ऊपर छोटा मोटा लंप है। लंप के और भी कारण है, आपकी गांठ के और भी कारण हो सकते हैं। पेट में गांठ अगर छोटी है तो वो एक हिमाटोमा हो सकता है, एक छोटा कलेक्शन हो सकता है ब्लड का चमड़ी के अंदर इंजरी, चोट लगने के बाद। और छोटी छोटी गांठ है, सॉफ्ट गांठ है, लाइपोमा हो सकता है, फैटी टिश्यू हो सकता है, लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, कोई स्किन मसल का ट्यूमर भी हो सकता है, जी हाँ हो सकते हैं। सो आपको क्या है, और भी चीज़ें हो सकता है। अगर बड़ी बड़ी गांठ है, बड़ा सा कुछ फील हो रहा है राइट साइड में आपके रिब्स के नीचे, तो वो लिवर हो सकता है। लेफ्ट साइड में रिब्स के नीचे स्प्लीन हो सकती है। बिल्कुल नीचे लोअर एब्डोमिन में कोई यूट्रस, प्रेगनेंसी वाला यूट्रस आपके पास, गर्भाशय हो सकता है, या फिर अगर ओवरी में स्वेलिंग आ गई तो ओवरीज हो सकती है बहुत बड़े साइज की फील होती हुई। तो कई सारी चीज़ें फील हो सकती है आपको पेट के अंदर। उसके लिए फिर टेस्ट करने पड़ेंगे, डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर क्या करेगा, आपकी हिस्ट्री, आपका एग्जामिनेशन करेगा और आपसे कई सारे सवाल पूछे जाएंगे, भाई कब से है ये स्वेलिंग, क्या कोई दर्द होती है, क्या आपका कोई प्रॉब्लम और कोई इस तरीके का सिम्टम है, राइट। अगर आपको गैस पास हो रही है, क्योंकि गैस पास नहीं हो रही तो वो प्रॉब्लम वाली चीज़ है। कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो रही, बुखार तो नहीं है, बुखार हो रहा तो प्रॉब्लम वाली चीज़ है, दर्द हो रहा है तो प्रॉब्लम, उल्टी हो रही है तो प्रॉब्लम, तो ऐसे प्रॉब्लम्स गलत है। ऐसे केस में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और आपके डॉक्टर पूछेंगे भाई ये कम ज़्यादा तो नहीं होता, कम ज़्यादा होता है तो कैसे होता है, राइट। तो ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, उसको दबा के हाथ लगा के देखा जाएगा, उसको दबा के हाथ लगा के आपको खांसी करने के लिए भी बोला जा सकता है, ताकि हम देखें उससे कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा। आपको ये याद रखना है, अगर वो सर्जरी, अगर वो हर्निया है तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है हर्निया को करेक्ट करने के लिए। अगर हर्निया जा नहीं रहा और उसके वजह से सिम्टम आ रहे हैं या वो बढ़ता जा रहा है, सर्जरी, हर्निया वाली सर्जरी में एक बड़ा कट लगा के, बड़ा चीरा मार के भी सर्जरी होती है, और दो तीन लैप्रोस्कोप यानी दूरबीन डाल के भी सर्जरी होती है। और अगर आपको दूसरी स्किन में चीज़ें हैं, लाइपोमा है, हिमेटोमा है, तो उनकी भी सर्जरी होती है। और अगर पेट के अंदर गांठ है, बड़ी कोई गांठ है, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, ऐसी जांच की जा सकती है जिससे पता चले वो क्या है, और फिर आगे जांच होती है कि भाई वो क्यों बड़ा हो रहा है, क्या और बीमारी है। बाकी सारे टेस्ट किए जाते हैं, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है। सो ये हुई बात दोस्तों पेट में गांठ की, लंप इन एब्डोमिन की। आई होप ये वीडियो बहुत काम आए और लोड जिसको ज़रूरत है उनके काम आए, पंजाबी बोलने वाला लोड बंदा दे कम आओ। तो ज़रूर शेयर करो वीडियो, सारे अनु शेयर करना जरूरी है।
Thank you so much for watching. I'm Dr. Paranjit. You're watching Dr. Education. Stay connected and stay healthy.